Dear students, welcome to online class. Today I will explain prime numbers, composite numbers, prime factorization. What is prime number? First, what is prime number? A number that is divisible. आप लोग चाहें तो लिख लीजिए, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ. A number that is divisible, a number that is divisible only by itself and one is called a prime number. एक नंबर जो कि केवल वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं. इट मीन्स ए नंबर दोज हैव ओनली टू फैक्टर्स. वन एंड द नंबर इट्सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. एंड टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. टू एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है. यहाँ पे अभी हम जीरो और वन को छोड़कर बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट जीरो एंड वन. जीरो एंड वन आर नॉट प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. पहला नंबर प्राइम नंबर का है, आप एग्जांपल देखिए टू. हमने कहा जो वन से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो. टू वन से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा. थ्री वन से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, कोई और नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता. फोर वन से डिवाइड होगा, टू से भी डिवाइड होगा और फोर से डिवाइड होगा. तो मैंने कहा था जिसके केवल दो फैक्टर हों, वो नंबर खुद हो और वन, तो फोर नहीं होगा. फाइव सेवन नाइन प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि नाइन थ्री से भी डिवाइड हो जाएगा. अलेवन थर्टीन फिफ्टीन भी नहीं होगा. फिफ्टीन थ्री से भी हो जाएगा डिवाइड और फाइव से डिवाइड होगा. मीन्स वो ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. ए नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाई इट सेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर. 15 नहीं होगा, 17, 19, 21 भी नहीं होगा, 23, 29, etc. so on, means ऐसे. अब आइए देखिए कंपोजिट नंबर. तो कंपोजिट नंबर मीन्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हैं. जो नंबर बच गए मीन्स जो नंबर प्राइम नहीं हो कंपोजिट है. मीन्स अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ए अदर देन इट्सेल्फ. A number that is divisible by a number other than itself and one is called a composite number. A number that is divisible by a number other than itself and one is called a composite number. For example, 4 means जो कि वन से तो डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा दूसरे भी नंबर से डिवाइड हो. हमने कहा है नंबर दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड अदर देन इट्सेल्फ. मींस वन और इट्सेल्फ, खुद के अलावा किसी और से, अदर देन. फोर सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व एंड सो ऑन कंटिन्यू. ऐसे जो भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर हैं. हमने आपको पहले ही बताया जीरो एंड वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. मीन्स नंबर दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स. आर कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट वन एंड जीरो. बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? Writing a number as a product of its factor is called factorization. Prime factorization. Writing a number as a product of its factor is called factorization.
मीन्स किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट के रूप में लिखना, उसके फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में लिखना उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए राइटिंग ए नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन इज राइटिंग ए नंबर, मीन्स किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। उसका जो फैक्टर है, उसके जो फैक्टर हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर दैट आर प्राइम नंबर। नाउ लेट्स राइट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। 18, 18 का फैक्टर क्या है? 9 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, तो 9 into 2 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे 9 देखिए, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो फिर 9 का भी कुछ प्रोडक्ट होगा। क्या लिख सकते हैं इसको? 3 into 3 into 2। तो पहले यहाँ पे हम छोटे नंबर को लिखेंगे, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है एंड 3 प्राइम। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 जा 6 3 जा 18 मीन्स उसके फैक्टर को प्रोडक्ट के रूप में। प्रोडक्ट क्या है? व्हेन बी मल्टीप्लाई टू नंबर्स आर मोर देन टू नंबर्स, सॉरी टू नंबर एंड मोर देन टू नंबर, द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका डिफिनीशन और इसके एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, तो समझ लीजिए। और उसके बाद ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे 8th D है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।